अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको जो कि DDL 7000A के कटर एडजस्टमेंट की सेटिंग बताऊंगा कि कैसे स्लो करते हैं और कैसे तेज किया जाता है। ये मैं आपको चेक करवाता हूं, कटर की स्पीड जो है वो इंतहाई स्लो है, जिसकी वजह से कटर फंस जाता है, धागा नहीं काटता, सुई टूटने का भी खदशा होता है। तो इसको जो अब ठीक करना है, तो ठीक करने से पहले मैं आपको इसके फंक्शन समझा देता हूँ कि कैसे ये कटर वर्क करता है। ये देखें, इसके ऊपर कटर एडजस्टमेंट होते हैं, ये इसके ऊपर लगे होते हैं कटर, उसके बाद इसने वर्क करना होता है। ये मेन केम होती है, जिससे केम से सेटिंग होती है कटर की, कटर एडजस्टमेंट। उसके बाद ये कॉयल सोलेनोइड कॉयल होती है, इसने पुश करना होता है। इसकी स्पीड ज़्यादा कम होती है, इसकी वजह से ही कटर लगता है, ठीक है। इसने इसको वर्क करवाना होता है। तो देखें ये कैसे वर्क होता है, इसको ऐसे प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद जब, तो अब आप इसको पुश करें, पुश करने के बाद आप व्हील को हाथ से घुमाएं। ये देखें, ये बड़े क्लैरिटी के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जब आपने इसको घुमाना है तो कटर जो है वो फिर वर्क करता है, ठीक है। ऐसे इसने वर्क करना होता है, ऐसे इसने पुश होना होता है। तो ये इसकी सेटिंग होती है। तो चले मैं अब आपको निडल प्लेट और बूट पैर खोल के दिखाता हूँ कि इसकी कटर की वर्किंग कैसे होती है, कैसे स्लो की जाती है और कैसे इसको तेज़ किया जाता है, और इसकी सेटिंग जो मुकम्मल होती है वो होती है पैनल के साथ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कटर अब ऑन किया है, तो ये स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जो बताया था आपको। अब इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज़ करते हैं। तेज़ करने का जो तरीका है वो आपने M प्रेस करना, P1 आ जाएगा, उसके बाद आपने 49 पे जाना है, ठीक है। ये इसके पैरामीटर होते हैं, 49 पैरामीटर पे जो है वो इसकी कटर स्पीड की एडजस्टमेंट होती है। फिर इंटर, ये 100 पे स्पीड है और इसकी मिनिमम स्पीड 100 होती है और मैक्सिमम 250 होती है, ठीक है। ये 250 है, 250 की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे जो है वो मसला कटर से धागा निकल भी आता है, बाज़ का मिस भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, कटर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसकी जो रूटीन की स्पीड होती है और रनिंग की स्पीड जो होती है वो तकरीबन 170 पे बेहतरीन मशीन चलती है, जो कि नॉर्मल स्पीड होती है। ये देखें, आप चेक करें, 170 पे सेटिंग करें। सेटिंग करने के बाद आपको देखें, ये इसकी स्पीड जो है वो बेहतरीन हो गई है, ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा ना तेज़ हो और ना ज़्यादा कम हो। तो ये होती है कटर की सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।